हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास कराने वाली हूँ मैं। इसमें आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करो या फिर राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल, आपको दोनों साइड को इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ। तो एक बार हम अपनी लेफ्ट साइड यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। अब मेरे को दो आइडेंटिटीज पता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो होता है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो होता है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10 क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ लिख दिया कॉट क्यूब थीटा और अपॉन में लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी। अब 10 होता है साइन अपॉन कॉस, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, और जो नीचे का सेक है उसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कॉस, क्योंकि 1 अपॉन सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इनटू में मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, इस सेक के बदले लिखा है। सेम ऐसे ही कॉट को मैंने लिखा है यहाँ कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, और 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये इससे एक कट गया एक ही बचा यहाँ। ये इससे यहाँ कट गया एक बचा, बेस को मैंने अब सेम कर लिया। तो यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा आ गया, यहाँ पर कॉस की पावर 4 थीटा आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ये होती है। अब अगर मैं इन दोनों को यहीं छोड़ दूँ तो आइडेंटिटी ये बन जाएगी, 2AB को इधर ले आएगी। ठीक है ना, तो इसमें यही, इस वाले स्टेप में यही आइडेंटिटी अब मैं लगा रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 2AB। और डिनोमिनेटर मेरा ऐसी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 1 के नीचे भी और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के नीचे भी है, अलग अलग लिख दो। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉस तो बन गया सेक थीटा, 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक थीटा। ये एक एक कट गए, यहाँ बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूफ आपको यही करना था, अगर आप ऊपर देखें अपना क्वेश्चन तो यही प्रूफ करना था। तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड इजिकल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये था आपके पास एक क्वेश्चन जो CBSE में 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री के कर रखे हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।